जनवरी में अमेरिकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि साल का मध्य आते आते हालात इतने बुरे हो जाएंगे। शुक्रवार को मई के इन्फ्लेशन डेटा आने पर अमेरिका शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई थी। सोमवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2.79% गिर गया। नेस्डैक 4.68% फिसला। वहीं S&P 500 इंडेक्स भी 3.88% लुढ़क गया। सोमवार को S&P 500 के 5 स्टॉक को छोड़ सभी लाल निशान में बंद हुए। ये इंडेक्स जनवरी के अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से 20% से ज्यादा टूट गया है। इस तरह मार्केट बियर मार्केट में एंटर कर गया है। जब स्टॉक मार्केट ज्यादा गिर रहा हो तो फंड मैनेजर बॉन्ड जैसे दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचने लगते हैं। अभी ऐसी ही स्थिति दिख रही है, लेकिन चिंता की बात ये है कि बॉन्ड सहित दूसरे ऑप्शन में भी छुपने की जगह नहीं दिख रही है। सोमवार को फाइनेंशियल मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। बॉन्ड में बड़ी गिरावट से 2 साल के US ट्रेजरी की यील्ड 0.29% बढ़ गई। गुरुवार रात से यील्ड में 0.54% उछाल आ चुका है। ये 2008 के बाद से 2 दिन में यील्ड में आया सबसे बड़ा उछाल है। ये इस बात का संकेत है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाएगा, इसे लेकर एक राय नहीं है। पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को मोटा मुनाफा देने वाली क्रिप्टो करेंसीज का बुरा हाल है। बिटकॉइन सहित दूसरी प्रमुख क्रिप्टो की कीमतें लगातार गिर रही हैं। सोमवार को क्रिप्टो करेंसीज में इतनी तेज गिरावट आई कि एक पॉपुलर मनी प्लेटफॉर्म ने पैसे निकालने पर रोक लगा दी। इन्वेस्टर्स अभी छुपने की जगह तलाश रहे हैं। यही वजह है कि डॉलर इंडेक्स करीब 2 दशक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ऐसे में फिर से 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की याद ताज़ा हो गई है। थॉर्नबर्ग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजर क्रिस्टियन हाफमैन ने कहा कि मार्केट लिक्विडिटी के लिहाज से हालात 2008 के डार्क डेज जैसे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी लिक्विडिटी की स्थिति लीमैन के पहले के दिनों से भी ज्यादा खराब है। शुक्रवार को इन्फ्लेशन में उछाल के बाद इन्वेस्टर्स को ये चिंता सता रही है कि फेडरल की मॉनेटरी पॉलिसी कितनी सख्त होगी, जिससे इकोनॉमी मंदी में जा सकती है।